हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इसके इलेक्ट्रॉनिक्स लाइव वीडियो चैनल के न्यू और फ्रेश वीडियो में। फ्रेंड्स, वाटर टैंक ओवरफ्लो हो जाने के कारण डेली कितना सारा वाटर वेस्ट होता है ये तो आपको पता ही होगा। और उसके साथ साथ क्या होता है कि कभी कभी हम वाटर पंप को ऑन करना भूल जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है पूरा एकदम टैंक खाली हो जाता है और मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी चला जाता है कभी कभी। तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका सोल्यूशन निकाला जाए। तो इसलिए मैं आज आपको जो सर्किट बनाकर दिखाऊंगा ये पूरा वाटर पंप को ही ऑटोमेटिक बना देगा। मतलब जब भी आपका टैंक खाली हो जाएगा ये ऑटोमेटिक टैंक को भर लेगा, एंड जब भी टैंक ओवर मतलब फुल हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक वाटर पंप को ऑफ कर देगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइंस प्रोजेक्ट भी है। अगर आप स्कूल कॉलेज के लिए कोई एक अच्छा साइंस प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हो तो आप इसको बना सकते हो। और मजे की बात ये है कि इसको बनाने के लिए मैं फिर कोई भी आरडीनो या फिर माइक्रोकंट्रोलर का यूज नहीं किया हूं, सिंपल कुछ कंपोनेंट का यूज करके मैं इसको बनाया हूं, जो कि आपको बहुत आसानी से लोकल मार्केट पर मिल जाएगा। तो देर किस बात की, चलिए इसको कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इस सर्किट को बनाने के लिए जरूरत पड़ेगा एक पीस 555 टाइमर आईसी की, जरूरत पड़ेगा एक पीस BC547 NPN ट्रांजिस्टर की, जरूरत पड़ेगा दो पीस 1 MΩ रजिस्टर की, जरूरत पड़ेगा एक पीस 220 ओम रजिस्टर की, जरूरत पड़ेगा एक पीस 1N4007 डायोड की, जरूरत पड़ेगा एक पीस 6 वोल्ट रिले की, जरूरत पड़ेगा एक पीस स्विच की जिससे हम सर्किट को ऑन ऑफ करंट पाएंगे, जरूरत पड़ेगा एक पीस 3 वोल्ट वाटर पंप की। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ऐसा वाटर पंप नहीं है, एक्चुअली मैं इसको घर पे ही बनाया हूँ, तो अगर आपके पास नहीं है तो आप रेडीमेड वाटर पंप ले सकते हो। एंड जरूरत पड़ेगा 3 पीस 3.7 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी की, जिससे हम सर्किट को पावर देंगे। अगर आपके पास लिथियम बैटरी नहीं है तो आप ऐसा 9 वोल्ट अडैप्टर भी यूज़ कर सकते हो इसको पावर देने के लिए। ओके, तो फ्रेंड्स ये सारे कंपोनेंट्स का ऑनलाइन बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया हूँ, आप चेकआउट कर लेना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 555 आईसी को ले लिया हूँ, एंड इसका पिन काउंटिंग कैसे करना है वो आप देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आईसी को उल्टा करके क्लिप के साथ लगा लिया हूँ, एंड इसका 8 नंबर पिन एंड 4 नंबर पिन को मैं एक जंपर वायर के मदद से शॉर्ट कर दे रहा हूँ। तो मैं पर इसको शॉर्ट कर दिया। तो अभी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसको सीधा कर लेता हूँ, एंड इसका 1 नंबर पिन एंड 2 नंबर पिन के साथ मैं एक 1 MΩ का रजिस्टर को सोलर कर दे रहा हूँ। तो मैं इसको सोलर कर दिया। अभी यहाँ पर मैं 220 ओम का एक रजिस्टर ले लिया हूँ, एंड इसको मैं यहाँ पर आईसी के 3rd पिन के साथ सोलर कर दिया। उसके बाद मैं एक BC547 ट्रांजिस्टर ले लिया हूँ, एंड इसको मैं यहाँ पर आईसी की 1 नंबर पिन के साथ एंड यहाँ पर 220 ओम रजिस्टर के साथ सोलर कर दे रहा हूँ। सोलर कर दिया। तो अभी यहाँ पर मैं आईसी को थोड़ा घुमा लेता हूँ ताकि सोलरिंग करने में आसानी हो। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं फिर से एक 1 MΩ का रजिस्टर ले लिया हूँ, एंड इसको मैं यहाँ पर 1 नंबर पिन एंड 6 नंबर पिन के साथ आईसी का सोलर कर दे रहा हूँ। तो इसको सोलर कर दिया। हाई फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक रिले ले लिया हूँ, एंड इस रिले का भी पिन आउट आप देख सकते हैं, दोनों तरफ कॉयल पिन, बीच में कॉमन पिन, एंड इस तरफ एक साइड पे नॉर्मली ओपन पिन और एक साइड पे नॉर्मली क्लोज पिन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक डायोड ले लिया हूँ, एंड इस डायोड का दोनों टर्मिनल को मैं यहाँ पर रिले की दोनों कॉयल पिन के साथ सोलर कर दिया। और फ्रेंड्स, यहाँ पर डायोड का जो सिल्वर साइड है उसको मैं यहाँ पर आईसी की 4 नंबर पिन के साथ एंड पॉजिटिव साइड को मैं यहाँ पर ट्रांजिस्टर की कलेक्टर के साथ सोलर कर दिया। हाई फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक रेड कलर का वायर ले लिया हूँ जो कि पॉजिटिव वायर है, और इसको मैं यहाँ पर आईसी की 8 नंबर पिन के साथ सोलर कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक ब्लैक कलर का वायर ले लिया हूँ, एंड इसको मैं यहाँ पर आईसी की 1 नंबर पिन के साथ सोलर कर दिया। ये नेगेटिव वायर है। तो हाई फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कुछ वायर ले लिया हूँ, आप देख सकते हैं थोड़ा सा लंबा, जो कि फ्रेंड्स हमारा टैंक पर लगेगा। और देख लीजिए फ्रेंड्स ध्यान से, अगर आप बड़ा वाला टैंक पर लगा रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको बड़ा वाला वायर यूज़ करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कॉमन वायर है जो कि सबसे नीचे रहेगा, उसके ऊपर एक वायर रहेगा जिसको मैं लो बोल रहा हूँ, और सबसे ऊपर जो रहेगा वो उसको मैं हाई बोल रहा हूँ। ठीक है, हाई मतलब उसके ऊपर पानी नहीं जाएगा, ठीक है, और ये लो मतलब इसका नीचे तक पानी नहीं जाएगा, इसके नीचे जब भी पानी जाएगा वाटर पम्प ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सब जो कॉमन वायर है उसको मैं यहाँ पर आईसी की 8 नंबर पिन के साथ सोलर कर दे रहा हूँ, जो कि सबसे नीचे रहेगा टैंक का। और उसके बाद फ्रेंड्स, जो हमारा लो वाला मतलब था, जो कि हमारा कॉमन के ऊपर वायर था, उसको मैं यहाँ पर 2 नंबर पिन के साथ सोलर कर दिया। और जो सबसे ऊपर था जो कि हाई वाला वायर है, उसको मैं यहाँ पर आईसी के 6 नंबर पिन के साथ सोलर कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा कुछ कनेक्शन, आप देख सकते हैं बहुत ईजी कनेक्शन है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक वाटर पम्प ले लिया हूँ, एंड इस वाटर पम्प के साथ मैं एक बैटरी कनेक्ट किया हूँ एक स्विच की मदद से। तो जब भी मैं इस स्विच को ऑन करूँगा तो ये वाटर पम्प भी ऑन हो जाएगा, एंड जब मैं इसको ऑफ करूँगा तो वाटर पम्प भी ऑफ हो जाएगा, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस स्विच को खोल के यहाँ पर रिले का कनेक्शन करते हैं तो हम इसको इलेक्ट्रिकली कंट्रोल कर पाएंगे, तो हमें इसी चीज़ का ज़रूरत है। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर स्विच को खोल दिया, एंड इन दोनों वायर को मैं यहाँ पर रिले की
कॉमन पिन एंड नॉर्मली ओपन पिन के साथ सोल्डर कर दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर एक को नॉर्मली ओपन पिन के साथ सोल्डर कर दिया एंड एक पिन को मैं यहाँ पर कॉमन पिन के साथ सोल्डर कर दे रहा हूँ, ठीक है, एक वायर को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा वाटर पम्प का भी कनेक्शन हो चुका है। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा पूरा कनेक्शन लगभग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमें यहाँ पर अभी पावर सप्लाई का कनेक्शन करना बाकी है। तो मैं यहाँ पर दो बैटरी ले लूँगा इसको पावर देने के लिए, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो सर्किट है इसको 5 वोल्ट से ज़्यादा देना है, ठीक है। तो एक बैटरी तो 3.7 वोल्ट का है, तो इसलिए मैं यहाँ पर दो बैटरी लेके सीरीज में कनेक्ट कर ले रहा हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, सीरीज में कनेक्ट करना बहुत आसान है, एक को पॉजिटिव पर लगाओ और एक का नेगेटिव पर एक वायर लगा दो, तो ये बन गया सीरीज में कनेक्शन, ठीक है। तो अभी फ्रेंड्स हमारा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक स्विच ले लिया हूँ, पुश स्विच, एंड इसके साथ एक छोटा सा वायर भी मैं लगा के रखा था, तो इसको मैं यहाँ पर बैटरी की पॉजिटिव के साथ सोल्डर कर दिया। एंड फ्रेंड्स जो हमारा सर्किट का जो दोनों वायर है, अभी इसको मैं यहाँ पर सोल्डर करूँगा। तो जो फ्रेंड्स सर्किट का पॉजिटिव वायर है उसको मैं यहाँ पर स्विच की अपोजिट साइड पर सोल्डर कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ईजी कनेक्शन है। और जो नेगेटिव वायर है इसको मैं यहाँ पर बैटरी के नेगेटिव के साथ सोल्डर कर दिया। तो फ्रेंड्स हमारा जो पूरा सर्किट ही अभी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अभी इसका टेस्टिंग करके देखते हैं कि ये सच में वर्क करता है या फिर नहीं। तो इसको टेस्टिंग करने के लिए मैं पूरा सेटअप कर लिया हूँ। यहाँ पर बैटरी रखा हुआ है और यहाँ पर है हमारा वाटर पम्प। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक डब्बे पर कुछ पानी ले लिया हूँ एंड पानी पर मैं कलर मिला दिया हूँ। मैं बाद में बताता हूँ मैं क्या मिलाया हूँ। और यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा जो ये पाइप है, पाइप आ रहा है यहाँ पर कंटेनर पे, मतलब जहाँ पर हमारा टैंक है, टैंक के ऊपर लगा हुआ है। और यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा जो वायर है, जो कि सबसे नीचे कॉमन वायर है, उसके बाद है हमारा लो वायर, उसके बाद हाई वायर है, ठीक है। और ये वायर हमारा जा रहा है सर्किट में, ठीक है फ्रेंड्स। सेम टू सेम वही सर्किट है, वही सब कुछ है, कुछ भी फेक नहीं है यहाँ पर, जो कुछ भी हो रहा है आपका सामने हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि पानी में मैं उजाला मिलाया हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि पानी कितना भर्ती हो रहा है, कितना खाली हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अभी इसको ऑन करता हूँ, तो इसको मैं ऑन कर दिया। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ऑन करते ही यहाँ पर पानी आना चालू हो गया है, अभी हमारा टैंक भर रहा है। तो अभी मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा, ताकि मतलब टाइम ज़्यादा ना लगे भरने में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं 6x कर दिया हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं बहुत जल्दी जल्दी ये भर जा रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ वीडियो को। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स अभी यहाँ पर ऊपर आ ही चुका है, अभी थोड़ी देर मतलब थोड़ी भर्ती होगा तो अभी ये बंद हो जाएगा। देखिए ये देखिए फ्रेंड्स, टच होते ही जो ऊपर वाला वायर है ना, ये वायर टच होते ही पानी पर हमारा वाटर पम्प जो है ये ऑफ हो गया। तो मैं अभी यहाँ पर नीचे का जो नॉब है इसको मैं खोल देता हूँ और पानी को मैं खाली करके आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर भी मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ताकि जल्दी जल्दी ये खाली हो जाए। देखिए देखिए, जब भी यहाँ पर ये लो वाला वायर के नीचे पानी जाएगा, ये ऑटोमेटिक वाटर पम्प ऑन हो जाएगा। ये देखिए ऑन हो गया फ्रेंड्स। ये बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट हमारा काम कर रहा है, आप देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट है। अगर आप स्कूल या फिर कॉलेज के लिए अगर इसको आप बनाना चाहते हो, तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप इसको बना लो, ठीक है। ये बहुत एक अच्छा प्रोजेक्ट होगा आपके लिए। और इसको बनाने के लिए हम यहाँ पर कोई भी आर्डिनो या फिर कोडिंग कुछ भी नहीं यूज़ किए हैं, ठीक है। सिंपल ये कंपोनेंट्स आपको ना ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन बहुत आसानी से मिल जाएगा। ऑनलाइन बाय लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे ही दिया हूँ, ठीक है। और इसका सर्किट डायग्राम A to Z वॉकिंग, ये सर्किट का मतलब हर एक कंपोनेंट कैसे वॉक कर रहा है A to Z में मैं अपना वेबसाइट पर बताया हूँ, ठीक है। वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया हूँ। और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स पर तो कमेंट कर ही सकते हैं, एंड इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया हूँ। आप वहाँ पर भी जाके मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एंड अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में रहने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।